सुप्रभात, मैं निशा रावत देवभूमि इनसाइडर में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो चला है आज की सुर्खियों का। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। गुजरात की जीत पर बोले पीएम मोदी, ये कार्यकर्ताओं की असाधारण मेहनत का है नतीजा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भीषण आग लगने से 300 दुकानें जलकर खाक। महाराष्ट्र में G20 की बैठक से पहले मुंबई का होगा सौंदर्यकरण, सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएमसी को दिए निर्देश। मेनपुरी के नतीजों पर बोली डिंपल यादव, ये जीत नेताजी की जीत है। मल्लिकार्जुन खंगड़े बोले, भारत जोड़ो यात्रा का हिमाचल चुनाव में हुआ लाभ। अब खबरें उत्तराखंड से। गुजरात चुनाव परिणामों पर सीएम धामी का बयान, राहुल की यात्रा को फेलियर बताया। सीएम धामी ने इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास, 6 साल से लटका था कार्य। पौड़ी में पर्यटक हंटर हाउस से सुनेंगे गुलदार की दहाड़, जंगल सफारी की कवायद। देहरादून पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 9 परियोजनाओं का करेंगी लोकार्पण और शिलान्यास। हरिद्वार में खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ। तो ये थी आज की सुर्खियां, कल फिर मिलेंगे नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। जय हिंद।